السلام عليكم

ये ट्राई जो है वेरी लो डेंसिटी लाइपोपोटीज लिवर में पैदा होते हैं और खसूस उस वक़्त जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं लिवर के अंदर वीएलडीएल पैदा होते हैं बाय कॉलम बाय कंबाइनिंग ट्राइएसाइल एसाइल ग्लेसरोल कोलेस्ट्रोल एपो प्रोटीन ए वन बी वन हंड्रेड सी टू एंड ई एंड आल्सो फॉस्फोलिपिड देन आर रिलीज इन ब्लड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीस एंड कालोमेक्रोन आर द मेजर कैरियर ऑफ ट्राइसाइल गोल यानी कि जिस शख्स के अंदर काइलोमेक्रोन और वीएलडीएल की मकदार ज्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर फैट की ज्यादा है। इन मददारीफर टिश्यूज एडिपोज एंड मसल्स यानी यहाँ पर यह एडिपोज टिश्य जो है वो फैट ज़्यादा स्टोर होती है ट्राईसाइल गलेस्टर ऑफ वी एल डी एल यानी वी एल डी एल के अंदर जो ट्राईसाइल गले है इज हाइड्रोलाइज बाई लेन लाइपेज टू फैटी ग्लेस्ट्रोल एंड आईडियल इन वी एल डी एल के अंदर ट्राई ग्लेस्ट्राइड जो है वो ब्रेक होगा और उससे फैटी एसिड बनेंगे ग्लेस्ट्रोल बनेगा और आइडियल बनेगा यानी इंटरमीडिएट डेंसटी लेपोप्रोटीन आगे फिर इसकी जो है वो फेट होती है फैटी एसिड जो है वो दोबारा अगर चाहें तो फैटी एसिड से आप ट्राइग्लिसराइड बना सकते हैं या फैटी एसिड से आप एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू तो ये जो है वो एनर्जी का सोर्स है ग्लिसरॉल को चाहे तो आप ग्लाइकोलाइसिस में पर वेट तक कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं चाहे तो उससे दोबारा ट्राइग्लिसराइड बनवा सकते हैं और अगर ग्लूकोज कम हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया में तो उससे ग्लूकोज भी बना सकते हैं तो इस तरह जो वीएलडीएल के अंदर ट्राइग्लिसराइड है इसकी डिफरेंट फेड्स हैं यानी कि ये एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और इसका ग्लेशरोल जो है वो फैटीस वो ग्लूकोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और आखिर में जब ये ट्राइग्लिसराइड जो है इसके यूज हो जाते हैं तो उसमें यानी इसकी मेदार कम हो जाती है तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फैटी एसिड एंड कलेसरोल कैन आइदर गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी यानी या तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या इनसे जो है वो ट्राइग्लिसराइड बन सकता है आइडियल जो है जो इन, इसके बाद जो बचा है इज़ फर्दर डिग्रेडेड टू लो डेंसिटी लेपोपर्टिस उसके बाद जो आइडियल के बाद जो है वो एल डी एल बना जिसको कहते हैं एल डी लो डेंसिटी लेपोपर्टिस लो डेंसिटी लेपोपर्टिस जो है इसको बैड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं तो ये जो है वो फीमेल के अंदर इसकी मकदार कम होती है मेल के अंदर इसकी मकदार ज़्यादा होती है इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और फीमेल में जो है वो एलडीएल जो है वो कम होता है तो फीमेल के अंदर एलडीएल कम होने की वजह ये बताई जाती है कि इनमें एस्ट्रोजन की वजह से एलडीएल की मेदार कम होती है और इसलिए इनमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं और ये जो है जब मीनोपाज होता है तो उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही कम होता है तो एल डी एल की मेदार जो है वो बढ़ जाती है इसको बैड कोलेस्ट्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रेंडेंसी है कि ये अथीरो करे आर्टरीज के अंदर और आर्टरीज को ब्लॉक कर दे तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस, फॉलिज के चांसेस, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये मेल के अंदर इसकी ज़्यादा मकदार होती है इसलिए ये जो है वो मेल में ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक के इसके मुताबिक मुकाबले में आ, हाई डेंसिटी लेवटीन होती है जिसको गुड कोलेस्ट्रोल कहते हैं उसमें टेडेंसी होती है कि वो ट्राइग्लिसराइड को या फैट को आर्टरी से करता है और लिवर में ले आता है यानी कि अगर आपका एच डी एल ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम है अथीरोसिस के चांसेस कम हैं और ये जो है वो जैतून के अंदर और जो असेंशियल आइल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मेदार में पाया जाता है तो या जो है आप जितने ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होगा तो अपने जो है वो कोलेस्ट्रोल को चेक कर रहा खूस उसमें ट्राइग्लिसराइड की मकदार जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही एल डी एल की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए तो ये जो है वो इसके बाद जो है इंटरमीडिएट डेंसिटी डेंटीजीड इन द्रीफल टिश्य फ्राम वी एल डी एल यानी कि ये, ये ब्लड इस लिवर के अंदर पैदा नहीं होता बल्कि टिश्यूज के अंदर पैदा होता है ये काइलोमेक्रोन से डेंजर होता है लेकिन इसके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड की मकदार काफ़ी होती है उसके बाद जो है इससे जो एल डी एल बनता है तो उसको दीज आर प्रोड्यूस इन प्लाज्मा बाय द डिग्रेडेशन ऑफ आइडियल दे हैव लेस ट्राइग्लेसराइड्स एंड मोर प्रोटीन देयर आर डेंजर देन आइडियल तो ये जो है वो इनमें ये इसलिए डेंजर है क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटीन ज्यादा है दे हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इस्टर्स जितना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा इतना ही खतरा ज्यादा है हार्ट अटैक का इंक्रीज लेवल ऑफ एल डी एल है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जो है ट्राई ग्लेसराइड ज्यादा जाएंगे तो ओबीज परसन के अंदर एल डी एल की और ट्राइग्लेसराइड की मिकदार जो है वो ज्यादा देखी गई है उसके बाद है एच डी एल यह भी लिवर में पैदा होता है और वहाँ से रिलीज होकर ब्लड के अंदर जाता है ये डेंजर लाइपोप्रोटीन है ये डेंजर इसलिए है कि इसमें प्रोटीन की तादाद सबसे ज्यादा है जितनी प्रोटीन की तादाद ज़्यादा होगी इतना डेंस होगा और ट्राइग्लिसराइड की तादाद सबसे कम एच डी एल के अंदर होती है यानी कि यह रेशो लगाई जाती है कि प्रोटीन ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो अगर प्रोटीन जो है वो ज्यादा मेदार में है तो ज्यादा कंडेंस होगा क्योंकि प्रोटीन की जो है वो वजन ज्यादा होता है ट्राइग्लिसराइड जो है उसके वजन कम होता है तो इसलिए ये डेंजर होगा इसलिए हाई डेंसिटी लाइफ प्रोटीन कहते हैं तो हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि प्रोटीन ज्यादा है और ट्राई कम है अब इनका काम क्या है कि ये प्रीफ्रेड टिश्यू से कोलेस्ट्रोल को उठाते हैं और लिवर में लाते हैं तो जब ये कोलेस्ट्रोल में आता है तो वहां पे फ्री कोलेस्ट्रोल में हाइड्रोलाइज हो जाता है वहां पे ये दोबारा वीएलडीएल बना सकता है जैसे कि पहले बताया था कि वीएलडीएल जो है वो लिवर के अंदर बनता है या ये कन्वर्ट हो सकता है बाइल के अंदर तो बाइल साल्ट्स भी इसी से बनते हैं अब जो है बाइल की इंपॉर्टेंस तो आपको पता है कि बाइल साल्ट जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में जाते हैं और वहाँ पे इमल्सिफिकेशन करवाते हैं फ़ैट की तो फैटी डाइट के लिए बाइल साल्ट का और बाइल जूस का होना बहुत ज़रूरी है तो बहुत अहम कंपोनेंट हैं ये अगर बाइल आपका नहीं पैदा होगा तो फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी और वो फैट अनडाइजेस्टेड जब स्टूल के अंदर आएगी तो इस कंडीशन को स्टीटोरिया कहते हैं तो ये जो है वो बाइल साट चूक के बनाता है तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो एच डी एल के अंदर दो चीज़ें जो है वो अहम हुई कि एक इसकी वजह से कोलेस्ट्रोल कम होता है दूसरा यह है ये बाइल साल्ट बनाता है और तीसरा है क्या है कि ये वी एल डी एल भी दोबारा बना सकता है ये इसकी फेट है लेपोपोलीसेक्राइड दीज कंपाउंड्स िया की होती है तो अब हम लोगों ने जो देखना होता है ज्यादातर की हमारी बॉडी के अंदर जो है जो चीजें हैं उसमें हम कोलेस्ट्रोल को हमेशा जो है वो बुरा समझते हैं कि कोलेस्ट्रोल जो है कोई बुरी चीज है कोलेस्ट्रोल बुरी चीज़ नहीं है उसकी एक्सेसिव से जो है वो बुरी है अब कोलेस्ट्रोल जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर मौजूद है लाइपोप्रोटीस के अंदर मौजूद है ये निकायोमेकर अंदर मौजूद है वी एल डी एल के अंदर मौजूद है आई डी एल के अंदर मौजूद है एच डी एल के अंदर मौजूद है और एच डी एल और एल डी एल ये सब लाइपोप्रोटीन का हिस्सा है और सेल ममरेन में भी होता है अब सेलमेन में अगर ये ना हो तो उसके अंदर जो एक सख्ती होती है वो नहीं होगी तो डिफार्मेट्री होगी उसके बाद कोलेस्ट्रोल से स्टीराइड हार्मोन्स आपके बनते हैं एस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है और टेस्टोस्टेरोन है तो ये चीज़ें नहीं बनेगी अगर कोलेस्ट्रोल आप डाइट में नहीं लेंगे या ये कोलस्ट्रोल नहीं होगा तो जो भी चीज़ है उसकी जो अगर नॉर्मल मकदार आप लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता प्रॉब्लम उस वक़्त तो होता है जब उसकी मकदार आप ज्यादा लेते हैं जहाँ तक बात है कि ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी फायदा मंद है अगर फ़ायदा देखा जाए तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद उससे दो चीज़ें हासिल होती हैं एक उससे फैटी एसिड हासिल होते हैं और दूसरा गलेसरोल हासिल होता है तो हम फैट को कहते हैं कि फैट बुरा है फैट तो बुरा नहीं है लेकिन उसकी एक्सेसिव से बुरी है अब ट्राइग्लिसराइड जो है उससे आप बहुत सी एनर्जी हासिल कर सकते हैं अनर्जी उसके दोनों कंपोनेंट्स अब दो चीजें उसके अंदर होती हैं एक होता है एक दूसरा फैटी एसिड होता है फैटी एसिड भी एनर्जी देता है और गोलेस्टरोल भी एनर्जी दे देता है तो ये चीजें वो है जो कि हमारी डाइट के हिस्सा है तो डाइट में है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है वो तीन किस्म के है कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है और लिपिड है तो तीनों चीजों से हमें जो है वो एनर्जी हासिल हो रही है और उसकी जो भी कंपोनेंट है वो सब ही हमारे लिए फायदेमंद है हाँ उनकी मेदार का कम या ज़्यादा होना डेफिशिएंसी डिजीज़ या एक्सेसिव होने की वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है लेकिन नॉर्मल मकदार में आप देखेंगे तो वो बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस कर रहा होता है अब सवाल पैदा होता है कि अगर ट्राइग्लिसराइड है तो वो कितनी मकदार में होगा तो उसकी कोई मकदार जो है मुतिन नहीं है कि इतनी मेदार होगी तो उसके बाद जो है वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बनना बंद हो जाएगा तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ लोग इतने ज़्यादा उबीज़ होते हैं कि वो चेयर पे बैठ ही नहीं सकते और कुछ के जो है वो देखने से ऐसा लगता है कि तीन चार मन के हो जाते हैं तो इसकी कोई मकदार नहीं है तो इससे जो है जो लोग इसके मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और और मेडिसिन भी इफ़ेक्ट इतना कर नहीं करती जितने उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेहतरीन ये है कि आप जो है जा जो है उसकी कम कर दे और जो है ना पैदल चलने के लिए के तो ट्राई क्यों बनते हैं ट्राई उसी सूरत में बनते हैं जब आप जो है वो खाते ज़्यादा है आपकी जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं होती बॉडी के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे जो है ग्लूकोज हासिल होता है ग्लूकोज़ एनर्जी में इस्तेमाल हो उससे एनर्जी हासिल होती है ज़्यादा मिकदार हो तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है अब ग्लाइकोजन क्यों बनता है क्योंकि अगर आपने जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा जाता है तो वो तो वह हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर हाइपर ग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए तो बॉडी जो है उसको या तो इस्तेमाल कर लेती है या उसको स्टोर कर लेती है अब स्टोरेज का क्या फ़ायदा है कि जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो उस सूरत में ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होकर दोबारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखेगी क्योंकि ग्लूकोज जो है इसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है ब्रेन जो है वो डिपेंडेंट ही ग्लूकोज पे है अब क्या होगा कि एक बंदा खाता ही नहीं है फास्टिंग में चला गया तो क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है तो वो ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाएगी और ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा अब वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है मज़ीद भी नहीं खा जाएगा लेकिन बॉडी को जो है वो तो हर सूरत में चाहिए कि ग्लूकोज गुल, उसका मेंटेन रहे तो फिर क्या होता है ग्लूकोज जो है ऐसी चीज़ उससे हासिल होता है जो कि नेचर में ना नॉन कार्बोहाइड्रेट सबसे यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर जो है ये कीटो एसिड्स है पायरट है लेकिन इन चीज़ों से भी ग्लूकोज़ बनता है तो बॉडी हर लिहाज से ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना चाहती है तो इस तरह जो है वो अगर ग्लूकोज़ लेवल कम हो जाएगा तो ये याद रखें कि बॉडी को या सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल डेथ हो जाएगी तो इसलिए कहा जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया तो हाइपरग्लाइसीमिया में तो कोई इतना मसला नहीं है कि भाई वो तो एटलीस्ट उसमें जो है वो सेल्स को एनर्जी तो मिल रही है ना लेकिन उसके बाद वो उसकी एक्सेसिव मकदार हो गई लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में प्रॉब्लम क्या है कि एनर्जी ही नहीं मिल रही तो इसलिए जब भी आप कोई इंसुलिन की डोज लें या इसकी ट्रीटमेंट कर, कर रहे हो तो उसमें जो है ना उस डोज का ख्याल रखें कि वो डोज इतनी मकदार में हो कि ग्लूकोज लेवल इतना कम ना हो जाए कि बंदा जो है ना वो बेहोश हो जाए या मर जाए अब एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कैसे जो है वो मोटा हो जाता है उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं असल में जो हम झजा खाते हैं उसमें अब टेंडेंसी ये है कि वो ज़्यादातर फैट से बनी हुई होती हैं और उसके मुताबिक जितना हम खा रहे होते हैं एक्सरसाइज करते नहीं हैं हमारी वाक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप जो है ना वो बाद ये कहते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मना कर देता है कि आप जो है ना वो मीठा नहीं खाएं आप जो है वो लिपिड्स ना लें आप जो है वो प्रोटीन ना लें आपके जो है ना वो लिपिड आप लेंगे तो आप जो है ना आपको हार्ट अटैक हो जाएगा बंदा डर जाएगा यार आप स्वीट ना लें आपको जो है ना वो डायबिटीज़ हो जाएगा आप जो है ना प्रोटीन ना लें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा भाई ये तीन चीज़ें तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली हैं इन चीज़ों से हमें आप डरा रहे हैं तो इसके ये है कि वो उसके पीछे देखें कि ये चीज़ हमें क्यों मना की जा रही है तो तीनों चीज़ें चूँकि एनर्जी प्रोवाइड करती हैं तो इनको एतदाल में लेना चाहिए एतदाल में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब एक बंदा जो है वो मीठा खा रहा है लेकिन वो मोटा हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि वो एक बंदा मीठा खा रहा है वो लिपिड जो है उसकी मकदार कम ले रहा है तो वो होता ही है कि जब आप ग्लूकोज़ के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से ग्लाइकोजन जो है वो ज़्यादा बनती है और उसके बाद जो है वो जब ग्लूकोज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो जब ब्रेक होता है उसका जो कंपोनेंट होता है गलेस्टरोल वो ट्राई ट्राई बनाता है यानी फैटी एसिड के साथ मिलकर जो है ना डिपॉजिट हो जाता है तो इसका मकसद ये हुआ कि जब आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ जो है वो ग्लूकोज तक मौजूद नहीं रहता कि आपका जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स के अंदर तो आपने लिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट था लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया फैट के अंदर हो गया तो इसलिए अक्सर जो है वो लोग जो कि ओबीज होते हैं उनको जब कहा जाता है कि आप जो है ना मीठा कम कर दे वो कहते हैं हम मीठा क्यों कम कर दे भाई हम हम आप कहते हैं कि भाई लिपिड कम कर दें आप जो है ना तली हुई चीज़ें कम कर दे आप कार्बोरेट क्यों कह रहे हैं कार्बोरेट इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप मीठा खाएंगे तो मीठा भी तो आपका जो है वो उसमें लिपिड के अंदर चेंज वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप जो है वो मीठा भी कम खाएं और उसमें जो है वो तली हुई चीज़ें भी कम खाएं या ऐसी डाइट लें जिसमें जो है ना फाइबर की मकदार जो है वो ज़्यादा हो तो इसलिए हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है जब ज़्यादा लेंगे तो तब भी मोटे होंगे और लिपिड लेंगे तो तब भी मोटे होंगे क्योंकि दोनों चीज़ जो है इंटर कन्वर्जन इनकी होती है अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हर चीज़ जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रही है अब जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट बॉडी के अंदर चीज़ होती है वो होते हैं ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना अब आपका हम ये समझते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया मीठर ले लिया तो हमारा जो है ना वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया अब ग्लूकोज आप यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो बॉडी फिर भी कोशिश करेगी कि उससे का मेंटेन रखे आपने लिपिड लिया ग्लूकोज लेवल अगर कम है तो ट्राइग्लिसराइड का गलेसरोल जो है वो ग्लूकोज बना देगा इस तरह ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा अगर आपने उससे भी यानी कि वो ना पूरा हुआ तो फिर जो है प्रोटीन भी ग्लूकोज़ बनाते हैं तो प्रोटीन के अंदर जो होते हैं अमाइनो एसिड वो दो किस्म के होते हैं एक कीटोजेनिक होते हैं एक जो है वो ग्लूकोजेनिक होते हैं तो वो अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोजेनिक होते हैं वो ग्लूकोज़ बनाते हैं तो नेचर ने हमारे लिए बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है कि आपका ग्लूकोज़ लेवल हर सूरत में मेनटेन करना है खा वो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं लेकिन ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यूस ही ना लें तो वक्ती तौर पे जो जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है वो आपके लिपिड के ग्लिसरॉल से भी हो सकता है और भी हो सकता है प्रोटीन के ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से और इससे भी अगर एनर्जी जो है वो कम हो जाए तो फिर उसके प्रोटीन के कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं वो कीटोन बॉडीज जो है फिर एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है तो ये एक निज़ाम है जो कि इसमें जो है ना वो सारा बॉडी का जो कि एनर्जी सिस्टम है बाकी चीज़ें जो है वो तो हेल्प करती हैं आप जो विटामिन्स लेते हैं खा वो सेल्यूब फैट सल्यूबल विटामिन्स हो या जो है वाटर सेल्यूबल वाटर सल्यूबल जो भी है अब आप ये देखें कि जो चीज़ आप वाटर सेल्यूबल लेंगे वो बॉडी के अंदर डेंजरस नहीं होगी क्योंकि जो यूरिन आप पास आउट करते हैं वो वाटर सर, वाटर है बेसिकली तो वाटर सलूबल चीज़ें जो है वो यूरिन के अंदर ईजिली पास आउट हो जाएंगी अक्सर आपने देखा होगा कि बी कम्प्लेक्स की सिरप घर गर, घरों में पड़ी होती है और बच्चे जो है वो सिरप जो है वो पी रहे होते हैं दो दो तीन तीन चमचे और का तो वो पूरी बोतल ही पी जाती है लेकिन उनको कुछ नहीं होता अगर यही वाइटाम डी ए ई और की, के के फैट सलुबल विटामिन के आप डोज ज़्यादा लेकर देखिए आपको या तो उल्टियाँ आ जाएंगी या वो कोई ना कोई उससे टॉक्सिसिटी होगी तो फैट सलूबल जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं और स्टोर होकर जो है वो मसाइल क्रिएट करती है क्योंकि कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसकी जो है ऑब्जॉर्शन होती है ऑब्जॉर्शन के बाद उसका ब्लड वो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीशन का जो पार्ट है ऑब्जर्वशन के बाद वो तो आपके जो है वो यूरिन के थ्रू होता है तो यूरिन के अंदर ज़्यादातर वही वही चीज़ें जाएँगी जो कि वाटर सोलूबल है तो वाटर सलूबल चीज़ें जो है अगर आपने ज़्यादा ले भी ली तो वो यूरिन के थ्रू खारिज हो जाएगी अगर फैट सलूबल ले ली तो फिर जो है वो प्रॉब्लम है अगर वो मेडिसिन के तौर पर आपने ली थी तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो है ना वो हम वाइटाम जो है हम लेंगे तो हम हाँ है, जो है वो एनर्जी हासिल होगी तो ये याद रखे कि वाइटामिन से कोई एनर्जी हासिल नहीं होती वाइटाम तो सेलुलर फंक्शंस करवाते हैं इनकी मदद से ये को एजाइम के तौर पर काम करते हैं और मुख्तलि रिएक्शंस करवाते हैं असल जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड से होती है बाकी चीज़ें तो हेल्पर हैं खा वो एंजाइम्स हैं एंजाइम जो है वो वो भी कोई उनका भी कोई एक्शन नहीं है सिर्फ जो है वो रिएक्शंस को जो है वो तेज़ कर देती हैं उनसे भी कोई एनर्जी हासिल नहीं होती ना पानी कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है वो भी एक करियर के तौर पर यूज़ होता है तो हमारी जो डाइट है अगर हमने डाइट को कंट्रोल करना है तो इन चीज़ों में हमने ये इनको जो है ना वो कंट्रोल करना है अब जो है हम लोग इसके देखते हैं क्वालिटी क्वालिटी वाइज अगर देखें डाइट की तो क्वालिटी में ये देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है वो क्यों कुछ चीजें बहुत ही महंगी है में... कुछ चीजें बहुत ज्यादा सस्ती है मिसाल के तौर पर आपको जो है ना गोश्त बहुत महंगा मिलेगा तो वो क्या है प्रोटीन ही है उसके बाद जो है आपको दालें जो है वो उस सस्त कदरे सस्ती मिलेगी आजकल तो बड़ी महंगी है अब जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है गोश्त जो है ये महंगा क्यों है क्योंकि इसकी जानवरों जानवर के सोर से ये आता है असल में हमने कभी बुनियादी फर्क हमें नहीं पता तो गोश्त जो है गोश्त खाने से जो है वो ज्यादा मफायदा है क्योंकि उसके अंदर तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ये है कि वो अमाइनो एसिड जो बॉडी के अंदर नहीं बन सकते बॉडी को उसकी जरूरत है अगर नहीं लेंगे तो बॉडी के अंदर वो नहीं बनेंगे और डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है यानी कि हमारी जो प्रोटीन बनती है दो किस्म की अमाइनो एसिड से बनती है एक होती है असेंशियल अमाइनो एसिड एक होती है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड असेंशियल अमाइनो एसिड वो होती है कि जो कि डाइट भी लेना जरूरी है अगर आप नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो कि आपने डाइट में लेने हैं अगर आप डाइट में नॉन असेंशियल का मतलब यह है कि आपको डाइट में लेने जरूरी नहीं है ना क्योंकि बॉडी खुद इसको बना लेती है तो असेंशियल वो है जो कि डाइट में लेने जरूरी है तो जो गोश्त है इसके अंदर तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं अब आए दालों की तरफ तो किस कोई एक दाल ले ले तो उसके अंदर जो है तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते किसी ना किसी असेंशियल अमाइनो एसिड की कमी होती है इसलिए जो गोश्त होता है इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं और दालों को जो है वो सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं अब ये ऐसा तो नहीं है कि भाई फ़र्स्ट क्लास इसलिए कहते हैं कि वो अमीर लोग खाते हैं और सेकंड क्लास आप कहें कि ये गरीब लोग खाते हैं यानी सेकंड क्लास वालों के लिए दालें हो गई और जो अमीरों के लिए जो है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हो गई ऐसी तो बात नहीं है फर्स्ट क्लास लोग जो है वो बेचारे तो उनको जूरिकसड के मसाइल ओ के मसाइल हाइपर टेंशन के मसाइल उसके बाद जो है वो बहुत से मसाइल होते हैं वो तो ये सारी चीज़ें आजकल खा ही नहीं रहे होते पचास साठ साल की उम्र में क्योंकि उन्होंने ये सारी अयाशी तो कर ली होती है तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम असेंशल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं अब जो है दालें अगर गरीबों के हिस्से में आई हैं तो उनको फर्स्ट क्लास कैसे बनाया जा सकता है तो उसको इस तरह बनाया जा सकता है कि ये दो तीन दालों को इकट्ठा कर लें तो आप जो है ना उनको पकाएं या ये है कि एक दिन एक दाल बनाए दूसरे दिन दूसरी और फिर तीसरी तो एक में अगर हो तो दूसरी में पूरी हो जाएगी या दो तीन दालें मिक्स करने से आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन के फ़ायदे हासिल होंगे तो जब यह कहा जाता है कि सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास कैसे बनाया जा सकता है तो दालों को आप मिक्स कर दें मिक्स करके पकाएं और जो है ना फर्स्ट क्लास प्रोटीन हासिल होगी तो वही फवाद होंगे जो कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन के हैं तो इस तरह जो है वो प्रोटीन जो है वो दोनों में ये फर्क है प्लांट सोर्स के अंदर जो है वो तमाम असेंशियल एसिड नहीं होते और एनिमल सोर्स के अंदर जो है वो होते हैं तो अच्छा अब ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कुछ लोग कहते हैं कि हमने गोश्त खाया और गोश्त ने हमें मोटा कर दिया जितना मोटा होना है आप गोश्त कहें अच्छा ये कंसेप्ट था लेकिन प्रोटीन जो है इन नेचर ये नहीं वो एज ए प्रोटीन कोई एनर्जी प्रोवाइड करती असल में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हैं इस संग होते ग्लूकोजेनिक एक होते हैं कीटोजेनिक तो जो इसके ग्लूकोजेनिक होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी हासिल होती है और दूसरे जो हैं वो कीटोजेनिक होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं और उससे स्टाइल कोए बनता है और फिर वो इस तरीके से शैकल में जाता है तो उससे एनर्जी हासिल होती है तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली यानी कन्वर्ट होकर कीटोन बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट होकर या ग्लूकोज़ के अंदर कन्वर्ट होकर तो सबसे जो ईजी है या जिसकी डाइजेशन ईजी है या जिसको जो ना, वो metabolism जिसके है वो मेटाबॉलिज्म जिसका ईजी है वो कार्बोरेट ही है तो इसलिए आपने देखा होगा जो कुछ चीजें आप खा रहे हैं डेली लाइफ के अंदर या जिस चीज की जरूरत है तो ऐटोमेटिकली कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपकी डाइट का मोस्टली पार्ट जो है ना वो कार्बोरेट ही है आप दिन में देख ले कि आपने क्या क्या खाया है तो आप देखेंगे कि 60 70 जो है जो चीज आप खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है तो ये जो हम परसेंटेज वो लेते हैं इसकी कि कितनी चीज कितनी मकदार में खानी चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली बगैर सोचे समझे जो कुछ आप ले रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी तादाद ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग जो है ना वो ये देखते हैं कि आप इस चीज की तरफ देखें कि हमने बैलेंस डाइट लेनी है तो ये इतना हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप कोई भी चीज ज्यादा मेदार में खाएं और आप मोटे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैलेंस डाइट ली है तो बैलेंस डाइट जो है उस सूरत में होती है जब आपने तमाम चीजें जो है वो इक्वल इस्तेमाल की हैं जितनी बॉडी में चाहिए हर मोटा बंदा ये ज़रूरी नहीं है या वो वो हो, सेहतमंद हो सकता है वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो या उसमें मैल जो है मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो हो सकता है वो मोटा हो लेकिन कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो उसमें और या वो कमज़ोर है तो कुछ चीज की डेफिशिएंसी है यानी कि वो जो न्यूट्रिशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसका तनासब जो है वो कम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जब आप चीज़ें लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें लें जिससे आपके कोलेस्ट्रोल पर ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े अगर आपका वजन ज़्यादा हो रहा है तो आप फ़ौर जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसके अंदर फ्लेवोराइड ज़्यादा होते हैं एंटी ज़्यादा होते हैं ये सेलुलर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं तो आप अपनी जो है ना ग़ा के अंदर फलों के इस्तेमाल बढ़ा दें जैसे ही आप फलों के इस्तेमाल बढ़ाएंगे आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपके ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होते हैं अपेटो प्रोटेक्टिव भी होते हैं तो अपने गज़ा का ये हिस्सा बना लें कि आपने जो है ना फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है अगर आपने सिर्फ सालन और जो है ना रोटी पे गुजारा करना है तो फिर आप समझें कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे अपनी सेहत का जो है ना वो ख्याल रखें और फ्रूट पे ज्यादा से ज़्यादा खर्च करें और इससे जो है वो एंटी एक्सीडेंट जो है वो आप हासिल होंगे जो कि आपके क्लोस्ट्रोल को है हमारा जो क्योंकि हर बंदा जो है ना वो परेशान है परेशान क्या है कि उन्होंने अपनी डिजायर जो है ना वो ज्यादा कर लिया है वो क्या सोचते हैं कि जितना आ गया है ना इससे ज्यादा हमें हासिल होना चाहिए इसलिए लोग जो है ना स्ट्रेस का शिकार है अब जब वो सोचते हैं तो क्या होगा कि उनके कार्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता है तो जब वो बढ़ता है तो उससे क्या होगा एपिनेफ्रीन और नॉन एपी भी बढ़ती हैं तो उनके जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ता है अब जब आप सोचेंगे जितना ज़्यादा सोचेंगे दिमाग पर टेंशन लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्लूकोज की ज़्यादा मेदार चाहिए तो इधर जो है आपके हार्मोन खारिज हो रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं आपके हार्मोन खारिज हो रहे हैं आपकी टेंशन बढ़ा रहे हैं आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है आपको प्रॉब्लम हो रहा है ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है पेक्रियाज पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है पेक्रियाज जो है वो ग्लूकोज़ पैदा करना जो है वो कम कर देगा या उसके जो है ना वो सेल ही बर्न हो जाएंगे ग्लूकोज़ पैदा करते करते अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस का शिकार हैं तो जो है पैक्रियाज के सेल ही डैमेज हो जाएंगे और फिर फिर क्या होगा आप तो डायबिटिक पेशेंट बन जाएंगे आप डायबिटिक पेशेंट बनेंगे तो क्या होगा तो डायबिटिक पेशेंट में तो ये है कि वो, वो आप डायबिटीज़ तो कभी ठीक नहीं होनी क्योंकि आपने जो है वो एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अब ये ऑटोमेटिकली आप जाएंगे हाइपरटेंशन में क्योंकि डायबिटीज़ बल्टिस जो है ये तो कोलेस्ट्रोल लेवल इसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया तो आपने जो है ना वो टेंशन ली स्ट्रेस लिया और खामखा मखा की टेंशन इसलिए है हम लोग ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं यार दूसरा हमारे से आगे क्यों चला गया दूसरा क्यों खुश है असल में हम ये नहीं देखते कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी हुई है वो उसी के लिए ही है आप जो है ना वो कोई ए जो है ना वो बी नहीं बन सकता हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ मखसूस जो है वो खूबियाँ दी हैं जो कुछ आपके पास है आप उस पर खुश रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे जैसे ही आप ये डिजायर ज़्यादा कर देंगे मेहनत ज़रूर करें लेकिन जब आप असल ये इन उन लोगों को होता है जिनमें हसद कीना और इस चीज किस्म की चीज़ें ज्यादा होती है उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल शुगर के मसाइल इसलिए होते हैं और क्या है उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम जो है ना दस मिनट अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ कह देते हैं और उसके बाद क्या होता है वो उन पर स्ट्रेस होता है कि मैंने तो ये बात कह दी अब क्या होगा तो उनके कंटिन्यूस उनके हारमोनस बढ़ते हैं और वो ग्लूकोज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंसिव होते हैं और फिर कंसल्टेंट के ना मज़े हो जाते हैं अब जो जिस कंसल्टेंट के पास कोई मरीज़ डायबिटिक गया है या हाइपरटेंसिव गया है उस वो उसका कंटिन्यूस जो है ना वो मरीज बन गया अब उस बंदे ने मरना ही उस कंसल्टेंट की दवाई से है क्योंकि उसने क्या करना है ना तो इनका कोई इलाज है इनका सिर्फ कंट्रोल है कंट्रोल कितने करेंगे वो दवाएं ले ले लेकर जो है ना वो डायबिटीज की या शुगर की तो वो उसके साइड इफेक्ट ही इतने होंगे कुछ अरसे के बाद जो है वो गुर्दों पे अफेक्टेक्ट हो जाएंगे अब जो है ना गुर्दे जो है ना फेल फेलियर की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है वो डेथ भी हो सकती है अब जो है वो साइड इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे तो अब जो है ना बहुत सी आप चीजों को देखते हैं कि किसी का कोई जो है ना वो परमानेंट इलाज ही नहीं है सिवाय चंद जो है बीमारियों के जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती हैं या पेन किलर्स हैं इसके अलावा कोई किसी भी मेडिसिन का सिवाय ये इन्फेक्शियस डिजीज के बाकी जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है ना इनका इलाज है ही नहीं परमानेंट इसका तो ये है कि आप एक बार दवाई पर लग गए तो वो दवाई आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी और सारी जिंदगी खानी पड़ेगी और उससे साइड इफेक्ट्स भी होंगे फिर गुर्दों के मसाइल भी होंगे और मसाइल भी बढ़ते रहेंगे और जो है ना एट द एंड उसी बीमारी के साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही फौत होंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपने अपनी डाइट पे ख़्याल रखना है उसमें जो है वो फाइबर की मकदार बढ़ा बढ़ा देनी है उसके बाद जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है टेंशन को कम से कम करना है और जो भी बात चीज़ हो रही है छोड़ दें अल्लाह ताला पे और अपनी मेहनत करें और इन आप ज़रूर कामयाब हो दूसरों की तरफ ना देखें उन लोगों की तरफ देखें जो बेरोज़गार हैं और अपने जो कुछ आपको मिला है उस पर आप खुश रहेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होंगे प्रॉब्लम उस वक्त होंगे जब आप कंपेयर कर रहे होंगे अपने से वहाँ हाई लेवल के तो लो लेवल को देखें कि लोग जो है बीस हजार पच्चीस हजार पे जो है नौकरियां कर रहे हैं तो एक जो है वो दूसरों को देखना अपने आप को कंपेयर करना कम कर दे अब साइकेट्रिक uh, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि वो इसकी बिहाइंड जो है वो स्ट्रेस था तो अपने आप को बिज़ी रखें और देखें कि डेली बेस पर अपने आप को देखें कि आपके जो इखलाक के अंदर आपकी चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही है या नहीं तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है ना आपके एनवायरमेंट का होता है कि आप किन लोगों के पास बैठते हैं अब आपने देख होगा कि अच्छे लोग अच्छे लोगों के पास बैठते हैं बुरे लोग बुरे लोगों के पास बैठते हैं ये जो है ना कोई रूहें थीं या जैसा भी था कि एक जो है ना आप अक्सर देखते हैं कि, कि किसी भी जगह किसी लोग आपके पास सैकड़ों लोग आ जाते हैं और आप लोग किसी को भी देखते हैं तो आपको कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लगता है यार इनकी हम शक्ल भी ना देखें तो वो ये क्या चीज़ है और जिन लोगों को आप देखते हैं और आपको वो अच्छे लगते हैं तो यकीनन बाद में मेरे मेरे तजर्बे भी ये आया है कि नाइनटी परसेंट वो लोग बाद में आपके लिए अच्छे ही साबित होते हैं और जो पहली ही नजर में आपको बुरे लगते हैं वो आपसे भी नफरत करते हैं और आप उनसे नफरत करते हैं ये बनी आप लोगों को तजर्बा हुआ है कि नहीं कुछ पहली लुक में ही आप देख लेते हैं कि ये कोई पर्सनैलिटी का हिसाब होता है अब इसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है आप अपने आप को एनालाइज करें जिन लोगों के पास आप बैठते हैं कि अगर आपकी हैबिट्स जो है वो अच्छी हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे लोग जो आपके साथी हैं वो अच्छे हैं अगर आपकी हैबिट्स बुरी हो रही हैं तो आप इस बात पे गौर करें कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है तो आप फौरन इस चीज पर कंट्रोल करें कि इन लोगों के पास आपने नहीं बैठना ऐसे लोग जो कि हर वक़्त रोते ही रहते हैं कि मर गए खप गए खत्म हो गए तबाह हो गए बर्बाद हो गए ऐसे लोगों के पास तो बिल्कुल बैठे ही नहीं ये लोग जो है वो खुद भी नाउमीद होते हैं और दूसरों को भी नाउमीद करते हैं तो ये नेगेटिव लोग जो है ना उनके को बिल्कुल इनके पास ना बैठे ये आपको स्ट्रेस आपके लिए पैदा करते हैं ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस सोर्स ऑफ डिप्रेशन है इनके बिल्कुल छोड़ दें ऐसे लोगों के पास बैठे जो आपको सुकून दें जो आपको हिम्मत दें ऐसे लोग जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं तो आपने जो है आपने पंद्रह दिन के बाद देखना है कि आपकी यादात में जो है वो कितना फर्क आया है क्योंकि आपको मिलना वही है जो आपके नसीब में लिखा है बाकी कोशिश आपकी होती है ऐसी स्ट्रेस लेने से क्या होगा इस थोड़ी सी लाइफ के अंदर जो है अपने आप को नामुबदला करें आप बीमार हो गए तो फिर आपको किसी ने नहीं पूछना अगर आप कमा रहे हैं तो आप घर वालों के लिए एटीएम टी एम हैं जब आपको कोई मसला हो गया आपको हार्ट अटैक हो गया आप फॉलेज हो गया आप जो है वो बैठ गए तो आपको फिर आपकी औलाद भी नहीं पूछेगी इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसी अपनी सेहत को देंगे जब तक आपकी सेहत है तो उस वक़्त सब आपके हैं जब आपकी सेहत नहीं है तो फिर तो इंतजार करते हैं कि अब ये इसको जाने दिया जाए क्योंकि किसी के पास कोई टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ता है औलादे भी छोड़ जाती हैं तो आपने जो है वो इन स्ट्रेस से अपने आपको निकालें तो आपके जितने भी ये अनट्रीटेड जो कंट्रोल में नहीं आती ये आपको कभी भी नहीं होगी अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो बाकी जो है जितने भी मसाइल हैं ये कंट्रोलेबल है तो बात हो रही थी इसके कोलेस्ट्रोल से तो कोलेट्र टोल्स के फ़ायदे बताते बताते ये जो है ना चीज़ें जो है वो बहुत लंबी हो गई थैंक यू वेरी मच कोई स्पीकर है तो बताइएगा